stands for. Gold FM, all of the classic hits. I hope you're having fun so far. You're listening to The Ride, and I'm Kara, taking you through your afternoon. Stay with me to listen to more awesome classics right here on The Ride. Mulubunaka, for awesome sounds in the afternoon. Wonderful, wonderful classics. Join me on The Ride every weekday right here on Gold FM, only the classic hits from 2 to 7. Just don't ask me what it was. नमस्कार, समाचार दर्शन के साथ मैं हूं शैरिन लता। नेशनल कैंडिडेट्स लिस्ट ड्रॉ अब रविवार को ग्रैंड पैसिफिक होटल सुबह में होगा, ना कि कल जैसा कि पहले कहा गया था। रविवार को यह इवेंट सुबह 9 बजे से दिन में 1 बजे तक रहेगा। एफबीसी न्यूज ऐसा विश्वास कर रही है कि पॉलिटिकल पार्टीज के उन नॉमिनीज जिनके नामों को रिजेक्ट कर दिया गया है कि अपील को लेकर अभी तक इलेक्टोरल कमीशन ने कोई फैसला नहीं सुनाया है, जिस वजह से ये विलम्ब हुई है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, फिजी लेबर पार्टी तथा सोशल डेमोक्रेटिक लिबरल पार्टी ने कमीशन के पास अपील दायर की है। फिजी पुलिस फोर्स के अनुसार भले ही शुरुआती छानबीन के बाद ये कहा जा सकता है कि YouTube पर जो शूटिंग इंसिडेंट की वीडियो पोस्ट की गई है उसमें फिजियन फिशरमैन शामिल नहीं है, हालांकि वे इस मामले में इंटरपोल से सहायता की मांग करेंगे। चीफ ऑफ ऑपरेशन रुस्याते तुंद्रावू का कहना है कि यह घटना फिजी वोटर्स में नहीं घटी है, जैसे कि 10 मिनट के इस वीडियो में दावा किया जा रहा है। तुंद्रावू का कहना है कि अब वे यह पता लगा रहे हैं कि इस वीडियो को ऑनलाइन पोस्ट किसने किया है और ऐसा करने के पीछे क्या लक्ष्य है। फिजी के सबसे पहले कैसीनो डेवलपमेंट साइट पर जिन लोगों ने काम किया था पेमेंट की मांग कर रहे हैं। डेवलपमेंट कार्य पिछले साल मार्च में देखने को मिला था। उस समय 100 सेंट्स लिमिटेड ने यह घोषणा की थी कि यह प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहा है, हालांकि इस घोषणा के एक ही महीने बाद काम को रोक दिया गया था। IATS जनरल सिविल एंड लॉगिंग कॉन्ट्रैक्टर्स जो साइट पर काम कर रहे थे ने बताया कि उन्हें 100 सेंट्स लिमिटेड की ओर से पेमेंट नहीं मिला है। कैसीनो डेवलपर्स ने अभी तक ये नहीं बताया है कि साइट पर काम क्यों रोका गया है। और खेलकूद में फिजी अंडर 18 सेवन साइड ने चाइना में जारी यूथ ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। फिजी ने आज शाम प्लेऑफ मैच में किनिया को 12-0 से हराया। इससे पहले कल रात फिजी की हार सेमीफाइनल में फ्रांस से 34-12 से हुई थी। और ये थे आज के मुख्य समाचार। शुभ रात्रि। रेडियो फिजी 2 देश की धड़कन पर आपका स्वागत है। बच्चों की दुनिया में हमेशा की तरह आज भी हम आपके लिए कहानियाँ और कविताएं लेकर आए हैं, और बच्चों आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूँ पल्लवी। रेडियो फिजी 2 देश की धड़कन पर मंडे टू फ्राइडे 3 से लेकर 4 बजे तक बच्चों की दुनिया में और 4 से लेकर 7 बजे तक मस्तानी शाम के सफर में शामिल रहिए मेरे साथ।